वो ये तो येल्लो से भी काफी खतरनाक है यार। हेलो गाइस, आज मैं लाया हूँ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी कार और ये कार को मैं चलाने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा कमाल के ट्रैक के ऊपर। ट्रैक पूरी तरीके से बन चुका है, पहले मैं आपको ट्रैक बताता हूँ उसके बाद इसको अनबॉक्स करेंगे। और भी आज बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्प्रे पेंट्स भी ले लिए, ये स्प्रे पेंट्स का आज मैं क्या करने वाला हूँ वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आपको बताऊंगा मैं वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो सबसे पहले आपको मैं ट्रैक बताता हूँ। तो हमारा जो ट्रैक है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रोड है, रोड खत्म होने के बाद देखो यहाँ पे रेत है, ये जो है ना भाई नॉर्मल वाली रेत नहीं है, देखो रेत के अंदर मैंने इतने बड़े बड़े गड्ढे भी बना दिए हैं, ये तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 गड्ढे हैं। अगर गाइस कार यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है तो उसको आने पड़ेगा ये गोल मटोल से पत्थरों के ऊपर। ये पत्थर देख रहे हो तरीके के गोल मटोल है, यानी कि जैसे ही कार का टायर इसके ऊपर आएगा कार के टायर जो है फिसलने लगेंगे, कार को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मान लो कार यहाँ से भी निकल जाती है तो उसको आना पड़ेगा ये बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर और ये काफी ज्यादा नुकीले है। उसके बाद कार हमारी चढ़ाई करेगी ये रैंप के ऊपर, वहां से आएगी कार यहाँ पे। ये जो है ना भाई ये काफी ज्यादा अलग चीज मैंने बना दी है, देखो इसके ऊपर बहुत सारा पेंट मार दिया है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्लिपरी भी हो गया है। कार को ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकरों के ऊपर से निकल कर आना पड़ेगा ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर, ये बड़े बड़े से स्पीड ब्रेकर है। उसके बाद कार यहाँ से टर्न लेगी, फिर वापस से यहाँ पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों के ऊपर इसको चढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंक्लाइन है। उसके बाद कार आएगी ये बॉक्स के ऊपर, फिर यहाँ पे आएगा एकदम खतरनाक वाला ब्रिज, आपको पता होगा ये ब्रिज कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे ही कार इसके ऊपर आएगी झूला मारने लगेगी, बड़ा ही खतरनाक सा रैंप है। तो आज रैंप के ऊपर मैं चलाने के लिए बहुत सारी कार्स लेके आ चुका हूँ। पहली तो ये मैंने आपको बता दिया है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी कार है। उसके बाद नंबर आता है हमारी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉन्स्टर आरसी कार का। आपको पता होगा ये कार भाई पिछली बार जब मैंने ट्रैक बनाया था तो ये जीत गई थी, आज देखते हैं ये ट्रैक के ऊपर जीतती है या फिर नहीं। फिर है हमारे पास व्हाइट कलर की थार, आज इसका कलर मैं चेंज करने वाला हूं यार, आज इसको येलो एंड ब्लैक कलर वाली थार हम लोग बनाएंगे। फिर आती है मेरे पास ट्रैक्स वाली कार, इसके अंदर देखो इस तरीके के खतरनाक से ट्रैक्स लगे हैं, आज देखते हैं हमारे ट्रैक के ऊपर ये चढ़ेगी या फिर नहीं। फिर मेरे पास है एक टाटा योद्धा ट्रक, आज इसका भी कलर चेंज करते हैं गाइस। फिर मेरे पास है जिमनी, आपको पता होगा ये जिमनी भाई बड़ी ही खतरनाक है। तो चलो यार अब मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑफ रोड आरसी कार को मैंने हॉबीज सेंट्रल से खरीदा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चाहे तो ये कार को खरीद सकते हो। बॉक्स को मैंने खोल दिया है, ओह माय गॉड, इसका नाम देख रहे हो K5 ब्लेजर है। इसको यहां से निकाल लेता हूं मैं, कार दिखने में तो बड़ी फैंटास्टिक लग रही है। अच्छा तो इसके इतने ढेर सारे कलर्स मिल जाते हैं, ये वाला कलर भी मिल जाता है यार, कार तो काफी ज्यादा कमाल की मेरे को लग रही है। और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखो काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ऑफ रोड कार है। तो यहाँ से मैंने इसको खोल दिया है, यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। यार आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो यार जरूर से लाइक करो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। ये इस तरीके की पैकिंग में आती है, काफ़ी कमाल की पैकिंग है इसकी, ये हटा दिया मैंने। अरे बाप रे, एक बार इसका लुक तो देखो यार, कितना ज़्यादा तगड़ा है भाई, आज सच में यार बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और हमारी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉन्स्टर कार को ये काफ़ी कड़ी टक्कर देगी मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ कॉफ़ी कलर दिया गया है, यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ ऊपर से वापस वाइट कलर का यूज़ किया गया है। टायर्स की बात करूँ तो टायर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है, सामने की तरफ क्रोम का यूज़ किया गया है। तो इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिली है वो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे है इसका कमाल का रिमोट कंट्रोलर, बड़ा ही हैंडी सा रिमोट है, स्टीयरिंग है, बहुत सारे कंट्रोल्स है, यहाँ से आप इसका गियर चेंज कर सकते हो। उसके अंदर गियर 1 गियर 2 दो गियर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका चार्जर, ये इसका स्पैनर है, यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स भी दिए गए हैं। एक काम करते हैं इसको खोल के देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए। ये इसका बॉडी कवर यहाँ से अलग कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वायर्स है ताकि इसके हेडलाइट वगैरह काम कर सके। यहाँ पे इसकी बैटरी है, ये रही दोस्तों इसकी रिचार्जेबल बैटरी, ये 7.4 वोल्ट 380 mAh पे काम करती है। इसकी मोटर है, यहाँ पे इसके गियर्स है, गियर्स देखो यार कितने ज़्यादा छोटे छोटे दिए गए। सस्पेंशन दिखा देता हूँ, ये इसका सस्पेंशन है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का सेटअप है। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, ट्रैक के ऊपर चलाने से पहले इसका कलर चेंज करते हैं, फिर इसका कलर चेंज करते हैं। तो आज मेरे को लग रहा है कि गाइस ये जो हमारी थार है ना इसके ऊपर येलो पेंट करने के बाद बहुत ही कमाल की दिखाई देगी।
थार के ऊपर मैं करने वाला हूँ येलो कलर। पहले इसका ये जो बम्पर है ब्लैक कलर में ही रखूंगा, जो दूसरे पैनल है इसके ऊपर येलो कलर करते हैं। तो इसकी हेडलाइट और ये सामने का बम्पर प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का मास्किंग टेप को मैंने अप्लाई कर दिया है। बम्पर के ऊपर भी लगाते हैं, छत के भी ऊपर लगाते हैं, फिर इसकी कार्रवाई करते हैं गाइस। फिर इसके ऊपर एकदम खतरनाक सा येलो कलर करते हैं। अब इसके टायर्स को मैं न्यूज़पेपर से कवर कर रहा हूँ, लगा दिया मैंने, साथ में न्यूज़पेपर भी लगा दिया है। तो ये रहा कलर हमारी व्हाइट थार को, अभी हम करेंगे येलो। वो ये तो येलो से भी काफी खतरनाक है यार। ओ भाई, ओ माय गॉड भाई, ये तो अभी पूरी जिमनी लग रही है। अब पीछे की तरफ करते हैं पेंट। वाह यार, ये तो येलो फ्लोरोसेंट है, मजा आ गया भाई कलर देख के। ये कलर बहुत ज़्यादा जल्दी सूख चुका है यार, मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट ही रखा है और कलर पूरी तरीके से पक्का हो चुका है हमारी कार के ऊपर। यहाँ से मैंने हटा दिया है, सभी न्यूज़पेपर हट चुके हैं। अब ये सामने की जो ग्रिल है इसको निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से चिपकाए वाला जो टेप है इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। का लुक देखो भाई, कितना ज़्यादा किलर लग रहा है भाई। मैंने जितना सोचा था ये उससे 100 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल अब मेरे को लग रही है। अब गाइस इसको चलाते हैं हम लोग। तो अब टाटा योद्धा के ऊपर हम लोग करने वाले हैं गोल्डन कलर। वो गाइस देख रहे हो, अभी धीरे धीरे से हमारी वाइट कलर की कार गोल्डन कलर में कन्वर्ट होने वाली है। अभी थोड़ा सा मैं ऊपर भी कलर कर देता हूँ, सामने की तरफ भी कर देता हूँ। थोड़ा सा ये क्रीम कलर हो चुका है मेरे को ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था इसको। मेरे को शायद इसके ऊपर और 2-3 कोट करने पड़ेंगे इसको गोल्डन करने के लिए। तो थोड़ा सा और 1-2 स्प्रे मैं और कर देता हूँ इसके ऊपर। पेंट करने के बाद इसको मैंने 5 मिनट तक सुखा दिया है। अब न्यूज़पेपर्स को हटाते हैं। अब ये जो मास्किंग टेप मैंने लगाया था इसको भी हटा दिया है। अब इसका एक बार लुक देखो यार, सामने बम्पर लगा दूंगा ना तो भाई ये भी एकदम खतरनाक दिखेगी, और इसके ऊपर थोड़े बहुत मेरे को स्टिकर चिपकाने पड़ेंगे, फिर देखना गाइस इसको चलाने के बाद ये कितनी तगड़ी दिखेगी। गाइस सबसे पहले हमारी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑफ रोड आरसी कार को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं ये ट्रैक के ऊपर से निकलेगी या फिर फंसेगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार हमारी निकल पड़ी है रोड के ऊपर, अब आ चुकी है रेत के ऊपर। अरे बाप रे, रेत के ऊपर देखो गाइस, इसका टायर फंस गया था गड्ढे के अंदर, वापस से निकल चुका है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अभी डिफरेंशियल लॉक्स ऑन कर दिए हैं, इस वजह से कार काफ़ी आराम से गड्ढों में से निकल चुकी है। ओ माय गॉड, कार देखो पूरा यहाँ पे शेक हो रही है। अब आ चुकी है बड़े बड़े नुकीले पत्थरों के ऊपर, यहाँ से भी हमारी कार इजीली निकल चुकी है गाइस। अब इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके टायरों के अंदर रेत चिपकी हुई है। ओके, यहाँ से इसने चढ़ाई कर दी है, इसको यहाँ पे रोकते हैं, अब दूसरी कार को लेके आते हैं गाइस। तो अब चलाते हैं ट्रैक के ऊपर जिमनी को। ये जिमनी रोड के ऊपर निकल चुकी है, अब बड़े बड़े गड्ढों में से भी पूरी कोशिश करके निकलने में लगी हुई है। ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे रेत में तो ये फंस गई भाई पूरी तरीके से। सच में यार ये जो गड्ढे हैं काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इतनी खतरनाक सी जिमनी यहाँ पे फंस चुकी है। तो आप सोचो गाइस ये ट्रैक कितना ज्यादा खतरनाक है दूसरी कार्स के लिए। अब ये ट्रैक्स वाली रॉक रोलर को चलाते हैं, देखते हैं ये यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओह अरे बाप रे यार, ये क्या हो गया, ये तो इधर आकर फंस गई है, रेत में से निकल ही नहीं पा रही है गाइस ये। वो निकल चुकी है, अब इसको पत्थरों के ऊपर से चढ़ाई करनी पड़ेगी, बड़े बड़े नुकीले पत्थरों के ऊपर आ गई थी यार, शिट ये यहाँ पर आकर पलट गई है। हर एक कार को सिर्फ आज मैं एक चांस देने वाला हूँ और इसका एक चांस खत्म हो चुका है। अब दूसरी कार को लाते हैं। अब ट्रैक के ऊपर आ चुकी है हमारी नई वाली थार, देखते हैं गाइस काफी आराम से ये रेत में भी चल रही है यार, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है। ओके, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से भी काफी इजिली निकल चुकी है, अब इसके सामने चढ़ाई आने वाली है, चढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज्यादा आसानी से हमारी थार चढ़ चुकी है। ठीक है, थार और K5 ब्लेजर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। K5 ब्लेजर ऑफ रोड कार को मैं यहाँ से नीचे उतारने वाला हूँ। यहाँ पे इसको काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, अगर मान लो गाइस जरा से भी कार यहाँ पे फिसली ना तो भाई सीधा धड़ाम से नीचे आ जाएगी और फिर कार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ओए यहाँ पे तो कार बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है यार, मेरे को लगता है यार पेंट नहीं मारना चाहिए था इसके ऊपर। ओ भाई शॉक एब्जॉर्बर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है यार इसका, देखो इतने बड़े स्पीड ब्रेकर पे से भी ये काफ़ी इजीली निकल चुकी है। अब बहुत ही खतरनाक सी चीज़ आने वाली है इसके सामने, ये जो स्पीड ब्रेकर है ना यार बहुत ज़्यादा अलग है, देख रहे हो
कार बिल्कुल भी चढ़ नहीं पा रही है। अब मेरे को इसको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा और स्पीड में यहाँ से मैं निकालने की ट्राई करूँगा इसके ऊपर से। ये कार चढ़ चुकी है। ओए, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, कार यहाँ गिरते गिरते रह चुकी है। तो अभी मैं इसकी स्पीड कम करके इसको रिवर्स ले लेता हूँ। अब थार की बारी है। इसके अंदर यार बिल्कुल भी डिफरेंशियल लॉक नहीं दिया गया है, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस देखो कितनी ज्यादा तगड़ी है। सस्पेंशन काफी स्मूथली इसका काम कर रहा है। इतने गाइस यहाँ से चढ़ेगी या फिर फिसल के नीचे गिरेगी। भाई कार पूरी कोशिश कर रही है यार, इसको ठीक तरीके से यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल रही थी। अब देखो मैंने इसकी जैसे ही थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है तो इसने चढ़ाई बहुत ज्यादा इजीली कर दी है। दोनों ही कार यहाँ तक पहुंच चुकी थी। अब मैं थार को ब्रिज के ऊपर से चला ही रहा था, उतने में ही थार का बैलेंस खराब होने के कारण धड़ाम से ये पानी के अंदर गिर चुकी है और पूरी की पूरी डूब चुकी है यार। अभी अभी तो मैंने पेंट किया था इसके ऊपर, अब इसकी हालत देखो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक बार इसको चला के देखते हैं। ये थोड़ा सा चलने के बाद पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है, सिर्फ इसके हेडलाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ा नुकसान हो गया मेरा आज। अब यहाँ पे सिर्फ K5 ब्लेजर रह गई है। इसको चलाते हैं ब्रिज के ऊपर, देखते हैं ये गिरती है या फिर बच के निकलती है यहाँ से। तो अब मैं इसको धीरे धीरे से यहाँ ब्रिज के ऊपर चढ़ा रहा हूँ और हमारी कार धीरे धीरे से ब्रिज के ऊपर से भी निकल चुकी है। अब ये फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे ये चढ़ पाएगी या फिर नहीं। धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इजीली यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। ओ माय गॉड भाई, इसने सारे के सारे आज रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। सच में गाइस ये कार इतनी ज्यादा तगड़ी होगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब टाटा योद्धा की बारी है। देखते हैं गाइस ये ट्रैक के ऊपर कितना लंबा चल पाएगी। रेत में से तो निकल चुकी है, पत्थरों पे से भी निकल चुकी है, चढ़ाई भी कर चुकी है, फाइनली यहाँ पर आकर ओ नो गाइस, ये कार धड़ाम से नीचे पलट के गिर चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ एक कार बची है, वो है ये ऑफ रोड मॉन्स्टर कार। देखते हैं गाइस ये किस तरीके से चलती है। ग्रिप ज्यादा होने के कारण रेत पूरी तरीके से इसके टायर्स को पकड़ने में लगी हुई थी, पर देखो ये रेत में से तो निकल चुकी है और सस्पेंशन काफी मजबूत होने के कारण छोटे छोटे पत्थरों पे से भी निकल चुकी है, बड़े बड़े पत्थरों पे से भी निकल चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में फिसल रही थी, उसके बाद देखो इसने काफी आराम से चढ़ाई कर ली है, यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है। ये डिफरेंशियल लॉक मैंने इसका ऑन कर दिया है गाइस। अब देखते हैं ये धीरे धीरे से उतरती है या फिर फिसल के सीधा नीचे गिरती है। ओके, सही तरीके से उतर रही है। बहुत ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे, जब से मैंने पेंट किया है बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा आसानी से निकल चुकी है। कि स्पीड बढ़ाते हैं, डिफरेंशियल लॉक्स को ऑन करते हैं। अब देखो यार मैजिक, कितनी इजीली यहाँ से ये चढ़ चुकी है। मैं इसको धीरे धीरे ब्रिज के ऊपर से चला रहा हूँ। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा आसानी से ब्रिज के ऊपर से चढ़ चुकी है। तो आज ट्रैक के ऊपर से निकलने में दो कार्स यहाँ पे कामयाब हो चुकी है। एक तो ये कार है, दूसरी हमारी ऑफ रोड कार है। भाई दोनों ही कार्स बहुत ज्यादा कमाल की है। तो चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है रोहित, फैजान, सत्यनारायण, नीलम, ऑस्टिन, विवेक, यशस, कार्तिक, नितिन, विनोद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। आई दोस्तों।